हेलो, नमस्कार। मैं मीना, आपकी दोस्त, स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर आप सभी का। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक छोटा सा ब्लॉग आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आज। मैं अपनी फ्रेंड के साथ जावरा से 50 किलोमीटर दूर मंदसौर पशुपतिनाथ की नगरी, वहाँ पर लगता है कार्तिक मेला। तो मैं वो मेले का एंजॉय करने जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के साथ। और बीच में हम लोग अभी इस वक्त रुके हैं मंदसौर से 3-4 किलोमीटर दूर पहले सवेरा ढाबा, वहाँ पर हम लोग खाना खा रहे हैं और डिनर के बाद हम लोग पहुँचेंगे मेले में। तो चलिए चलते हैं, कुछ देर के बाद आपको मेले का एंजॉय करवाते हैं। जस्ट कीप वॉचिंग एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलती हूँ को जस्ट कीप वॉचिंग। और चलिए दिखाते हैं आपको यहाँ सवेरा ढाबा। बहुत खाना खाने आया करती थी जब मंदसौर रहती थी। सवेरा ढाबा एक वक्त जब हम लोग मंदसौर रहते थे तो हर वीक खाना खाने आया करते थे, लेकिन तब इसकी कंडीशन लोकेशन कुछ और था। और देख सकते हैं आज सवेरा ढाबा का लुक पूरा चेंज हो चुका है। बहुत ही ब्यूटीफुल इस ढाबे को बना दिया गया है, बहुत ही सुंदर, खाना बहुत ही टेस्टी होता है यहाँ का। हम लोग सभी डिनर के लिए रेडी हैं। मेरी फ्रेंड सामने अल्पा, अल्पा के हस्बैंड रवि जी, वो छोटी सी गुड़िया लक्ष, हाय बेबी, हेलो चिराग, हेलो भैया, नमस्ते। और सिद्धांत बाबू, ज़रा आप भी देख लीजिए इधर। तो फ्रेंड्स, खाना आने वाला है, हम लोग खाने का वेट कर रहे हैं। और चलिए मिलते हैं कुछ देर के बाद आपसे। और खाना आ चुका है फ्रेंड्स। हम लोगों ने अपनी अपनी चॉइस की सब्जी और ऑर्डर की रोटी और ग्रीन मिर्ची। तली हुई मिर्ची के बिना तो मेरा खाना होता ही नहीं है। तो डिनर कर रहे हैं हम लोग, और कुछ देर के बाद, डिनर के बाद हम लोग मिलेंगे आपसे मंदसौर के पशुपतिनाथ के मेले में। देख सकते हैं आप विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर। दोस्तों, रात में हम लोग पहुंचने में लेट हो गए थे और मंदिर में जब तक शयन आरती हो चुकी थी तो पशुपतिनाथ के दर्शन तो मैं आपको नहीं करवा पाऊंगी। लेकिन मेला बड़ा गजब का लगता है यहाँ पर, और देख सकते हैं आप काफ़ी रश होता है। बहुत ही सुंदर ये मेला लगता है, बहुत सारी शॉप्स लगती है। चलिए देखते हैं आगे आगे, एंजॉय करते हैं मेले में। अल्पा ट्रे भी ले लेंगे, पहले पूरा मेला घूम लो। कोरोना के बाद मेला बहुत ही अच्छा, इस बार का मेला एक ग्रैंड लेवल पे लगा था और बहुत सारी शॉप्स और काफ़ी अच्छा सामान भी मिलता है दोस्तों यहाँ पर। मैं बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें परचेस करती हूँ मेले में से। मैंने आपको पिछले दशहरे के मेले में ये बात कही थी कि मैं अक्सर इन लोगों से कुछ शॉपिंग कर लिया करती हूँ, चाहे ज़रूरत हो ना हो, क्योंकि एक उम्मीद पर ये लोग आते हैं, अपनी दुकानें लगाते हैं और यही इनकी रोज़ी रोटी होती है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। और उज्जैन की फेमस मटका कुल्फ़ी, आह क्या बात है। बहुत सारी शॉप्स आप देखने वाले हैं आगे। और अभी बच्चों और अल्पा और इनके हस्बैंड सिद्धांत भी शौकीन है, लेकिन मैं नहीं झूलती हूँ झूला, तो सिद्धांत भी नहीं बैठते हैं। लेकिन आज मेरी फ्रेंड और उनके बच्चे बड़े शौकीन हैं झूला झूलने के। तो कुछ समय बाद आपको वहाँ पर ले जाएंगे, और बहुत ही सुंदर सुंदर झूले लगे हुए हैं। और ये खाने पीने की शॉप से, और देख सकते हैं हम जहाँ झूले लगे हैं वहाँ पर आ चुके हैं अब हम। ठीक है,
मैक्सिमम 90% लोग झूले वाले एरिया में ही इंजॉय करते हैं क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद होता है। और देख सकते हैं आप कितनी तरह के झूले लगाए गए हैं, और मेरी फ्रेंड और उनके बच्चे सिद्धांत ये लोग भी सबसे बड़े झूले में बैठने जा रहे हैं। देख सकते हैं आप, मैं बहुत डरती हूँ इसलिए मैं कभी झूला नहीं झूलती, मुझे ऊपर से नीचे देखने में चक्कर आते हैं। और देख सकते हैं आप, सिद्धांत मेरी फ्रेंड उनके हस्बैंड बच्चे सभी टिकट लिया है और जाएंगे अभी सबसे बड़े वाले झूले में ये लोग बैठेंगे और मैं इनका वीडियो कैप्चर करूँगी। तो देख सकते हैं आप, और झूला एंजॉय करने के बाद हम सभी लोगों ने आइसक्रीम खाई, बच्चों ने नूडल्स और अपनी पसंद की चीज़ें खाई, बहुत एंजॉय किया मेले में अपनी फ्रेंड के साथ हम लोगों ने। और रात के 1 बज गए थे हम लोगों को मेले में से बाहर निकलने में। तो देख सकते हैं आप, बच्चे सो गए हैं, सिद्धांत को तो नींद नहीं आती इतनी जल्दी तो वो हमारे पास बैठा था, और मेरी फ्रेंड के बच्चे लक्ष्य चिराग और उनकी भतीजी साथ में थी छोटी सी, तो ये सभी लोग सो गए हैं। और देख सकते हैं आप, काफ़ी इंजॉय किया हम लोगों ने मेले में। अरे थारा, तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ आपने भी इस मेले में हमारे साथ आनंद लिया होगा, हमने भी बहुत इंजॉय किया। और आई होप आपको ये वीडियो छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में बहुत जल्द आपसे, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टे विथ मी। गुड नाइट, से गुड नाइट, गुड नाइट सदान, गुड नाइट।